तो सबसे पहले सर अरुणाचल टुडे में आपको स्वागत है सर। नमस्ते, धन्यवाद सर। ये जो है हमारा मकसद यही रहेगा कि आज जो फार्मर नहीं आया है उन लोगों के लिए एक मैसेज रहेगा। और सर हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सर आप यहाँ में आके हमारा चांगलांग में ट्रेनिंग दिया है। तो सर हमारा सवाल जो यही रहेगा कि कल्टीवेट ये जो मिलेट जो है या ग्राउंडनट जो है किस तरह से कल्टीवेट करना है सर? सर अभी ये जो मिलेट्स है ये नॉर्मली ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में दो सीज़न पे ग्रो होता है। एक तो जनवरी फरवरी में डाल सकता है, एक तो जून जुलाई में डाल सकता है। मिलेट्स में छः टाइप का मिलेट्स होता है, उसमें यहाँ पे फॉक्सटेल ज़्यादा से होता है। ये फॉक्सटेल का अच्छे से अच्छे करने के लिए पहले थोड़ा लैंड प्रिपरेशन करना होता है। लैंड प्रिपरेशन मीन्स वो थोड़ा लैंड्स को अगर आप झूम खेती करते हैं तो जंगल को काटने के बाद जलाने के बाद जो आप लैंड में डायरेक्ट आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते उसको थोड़ा डिस्टर्ब करके प्लोइंग जैसे करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक्टर से भी कर सकता है नहीं होने से आप उसको इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा ग्रैब करके आपका वीडर हो और जो मशीन से थोड़ा लैंड को डिस्टर्ब करके उसमें करना है, ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। ब्रॉडकास्ट करने से आपको अच्छे से यील्ड नहीं मिलेगा, जंगल ज़्यादा होने से उसको रिमूव नहीं कर सकता है, वीड्स ज़्यादा ग्रो होने से उसको रिमूव नहीं कर पाते। हमको लाइन सोइंग करना है। लाइन सोइंग मतलब दो लाइन्स, मतलब आप कितना भी जगह पे करना चाहता है लाइन में सोइंग डालना है। दो लाइन का बीच का दूरी 30 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बोलता है, लेकिन ठीक है 30 सेंटीमीटर का दूरी रखना पड़ेगा। और पौधे का बीच का डिस्टेंस अब 10 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, ये ज़रूर देखना है। दो लाइंस के बीच 22.5 सेंटीमीटर एंड दो प्लांट के बीच 10 सेंटीमीटर। और जो डीप कितना डीप में डालना है इसका है सिर्फ 2 सेंटीमीटर। सीड बहुत छोटे होने के नाते ये सीड को सिर्फ 2 सेंटीमीटर के नीचे डालना पड़ेगा। लैंड प्रिपरेशन होने के बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद 2 सेंटीमीटर के अंदर इसको डाल के सॉइल से कवर कर देना है। बाद में है इसका मार्केट, मतलब बाद अगर बहुत पौधा आ गया तो उसको थिनिंग बोलता है। 10 सेंटीमीटर का जो बीच में कुछ आता है उसको निकालना पड़ेगा, वो प्लांट का बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही रखना पड़ेगा। ज़्यादा प्लांट रखने से क्या होता है वो अगर अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, प्लांट्स वीक हो जाएगा, वो प्लांट्स के लिए अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए आप प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर, रो टू रो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखने ज़रूरी होगा। दूसरा है इसमें कोई डिसीजेस पेस्ट ज़्यादा नहीं आता है तो आप 30 डेज के अंदर एक बार जंगल रिमूव करने से आपका क्रॉप के लिए फ़ायदा होगा, आपको अच्छे ग्रेन्स मिलेगा। अगर आपके पास पानी है, नहीं तो बारिश नहीं आया बोलने से एक बार पानी देना ज़रूरी है, दो बार। जर्मिनेशन 15 डेज के बाद एक बार, सोइंग के 15 डेज के बाद एंड फ्लावरिंग के टाइम पे, मतलब सोइंग के 40-45 डेज के बाद एक बार पानी देना ज़रूरी होता है। अगर बारिश आने से ज़रूरी नहीं है। सर ये जो है हमारा ये चांगलांग एरिया जो है हिली एरिया है तो मिलेट जो है प्लेन एरिया में लगाने से सही रहेगा या झूम एरिया में भी रख सकता है, प्लेन एरिया में भी रख सकता है। दूसरा वैरायटी है, जिसने को लगाना चाहिए वो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। हिली एरिया के लिए भी दूसरा वैरायटी है, प्लेन एरिया के लिए भी दूसरा वैरायटी है, दोनों एरिया में कर सकता है। वैरायटीज़ अवेलेबल है कॉलेज में, अगर किसी ने लगाना चाहता है तो हम सप्लाई कर देंगे। तो सर दर्शकों को कॉलेज का नाम बता देंगे? हमारा नाम डॉक्टर पवन कुमार गौडर है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं हम, पासीघाट में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। सर यहाँ में ये हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अगर क्रॉप को अगर कल्टीवेट किया जाएगा तो फार्मर के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कौन सा क्रॉप जो लगाने से चांगलांग एरिया में सही अच्छा रहेगा? सर ये एरिया तो बहुत अच्छा है, सॉइल का फर्टिलिटी तो बहुत अच्छा है, तो आप धान खेती कर सकते हैं, ग्राउंडनट डाल सकते हैं, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, सारे टाइप का मिलेट्स यहाँ पे ग्रो कर सकता है। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जाने से तो ऑर्चर्ड क्रॉप जो भी है आपका, सिट्रस हो, ये सब क्रॉप यहाँ पे अच्छे से आएगा, लीची भी आएगा, रामबुतान भी आएगा, ये सब क्रॉप कर सकता है, जिंजर भी कर सकता है, हल्दी भी कर सकता है यहाँ पे। तो सर आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि जो मशरूम जो फार्मिंग जो है किस तरह से किया जाता है?
अच्छा, मैं ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही पूरा ये बताना चाह रहा हूँ कि मशरूम का जो कल्टीवेशन है वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में किसान भाई बहन लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। और मशरूम का सीड आपके इधर चांगलांग में नहीं मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दो तीन जगह इसका सोर्स है। एक हमारे यहाँ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, और मशरूम डेवलपमेंट सेंटर ईटानगर, यहाँ में आपको उपलब्ध होगा। और यहाँ के किसान भाई नियर बाई में जैसे तिनसुकिया में ये मशरूम का सीड आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो वो लोग वहाँ से भी लेके इस मशरूम की जो वेस्टर्न मशरूम है या उसको ढिंगरी मशरूम कहते हैं उसका सीड लेके, जैसे हमने बताया है आपको भी बता दे रहे हैं कि वो सीजन में पूरा आप इकट्ठा कर लेंगे सबस्ट्रेट, उसके बाद उसको राउंड द ईयर, क्योंकि जनरली ये वाला मशरूम को क्या है कि 18 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वो यहाँ चांगलांग के एरिया में अच्छा है और साल भर उसको खेती आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जब कंटिन्यूस और जिसको हम कहेंगे हैवी रेनफॉल होता है उस समय अवॉइड कर दें, बाकी राउंड द ईयर वेस्टर्न मशरूम की कल्टीवेशन इस एरिया में बहुत अच्छे से हमारे किसान भाई कर सकते हैं और अपनी इनकम को डबल नहीं उसको चार गुना बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम का कल्टीवेशन करने के लिए इनको लो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स लो कॉस्ट मशरूम हाउस जो रिसोर्सेज इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, बम्बू टोको पत्ता या किसी और तरीके का घास लीफ वाला, उससे अपना घर का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, बालू नदी के किनारे से कहीं से एडजस्ट करके उसका फ्लोर में डालने के लिए कर लेंगे, और बम्बू के वाल में अंदर की साइड में उसमें आप गनी बैग जिसमें राइस और चीनी आता है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर जाता है तो अंदर में उस बम्बू वाल के साइड में जो गनी बैग लगाया और फ्लोर में जो बालू डाला उस पर पानी स्प्रिंकलर कर देंगे मॉर्निंग इवनिंग में, तो अंदर का टेम्परेचर पूरा कूल डाउन रहेगा। और मशरूम क्या है कि एक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, कैश क्रॉप है और 21st सेंचुरी की न्यू क्रॉप है। नमस्ते अरुणाचल टुडे, आज हमारा जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर चांगलांग में एक फार्मर्स ट्रेनिंग हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आयोजन किया गया है। हमारा किसान मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट श्री डुंगोले लिबांग जी यहाँ में आए थे, उनके साथ उनका और अन्य टीम आए हैं और यहाँ में हमारा रिसोर्स पर्सन के तौर में हमारा तीन साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने हमारा जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का जो फार्मर्स लोग को ट्रेनिंग दिया है, चार विषय में ट्रेनिंग दिया है, मिलेट्स, ग्राउंडनट, मशरूम और पाम ऑयल का बारे में। तो हमारा जो फार्मर्स लोग हैं बहुत लाभ उठाया है और ये ट्रेनिंग हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ये इन कोलाब्रेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी से हम लोग को किया है। हम लोग ये उम्मीद करता है हमारा जो किसान भाई है वो लोग साइंटिफिक नॉलेज मिला होगा और फार्मिंग में उन लोग ये बहुत आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर बनेगा बोल के। और ये ट्रेनिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक ये आत्मनिर्भर जो ये हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर उसका बाद में ये आपका जो में जो दे रहा है उसमें ये ट्रेनिंग तो मिलने के बाद में उसमें वो लोग वो जो यूज़ आएगा और वो लोग एक एक शासक बहुत मतलब ये डिपेंडेंट एक फार्मर्स बनेगा बोल के हम लोग विश्वास करते हैं।